कैसी और अपूदी की शादी के बहाने से इसी घर में रहेगी, फैमिली मैटर में दखल देगी, फैमिली के लिए फैसले लेगी और हमें वो फैसला मानना पड़ेगा। हाँ नहीं, और तुम क्या चाहते हो? मैं ये सब तमाशा देखने के लिए इसी घर में हूँ। मैं भी आज ही अपनी मॉम के घर जाती हूँ। अच्छा, मैं चली जाऊँ? क्योंकि यानी जो ये लड़की बोल रही है वही हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये इसका घर है या मेरा घर है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया उसके बावजूद ये लड़की यहीं पड़ी हुई है और इस घर के सारे लोग जस्ट फॉरगेट इट। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? आपने सुना जेठू और मॉडल का झगड़ा कुछ घर का गैस के हिसाब से रख रहे हैं अपूदी की शादी के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो बेहतर यही है कि कुछ दिनों के लिए मैं कुछ दिनों के लिए अर्शी घर जाऊँ। मेरी वजह से इस घर को छोड़ के जाने की किसी को भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। बस एक बार अपूदी की शादी हो जाए, आई प्रॉमिस वादा है मेरा। और ये कुछ दो दिन की तो बात है और अगर जिस घर की मैं बात कर रही हूँ अगर वो घर में मिल जा रहा है तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरी शादी वहीं से होगी। तो आप जिस तरीके से खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं ना सर में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब तक आपको जितनी भी बदतमीजी मुझसे करनी है आप कर लीजिए, लेकिन मैं अपूदी की शादी पूरी किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक और बात, मैं बेशरम नहीं हूं और सच तो ये कि शर्म उन्हें आनी चाहिए जो सच जानने के बाद भी सच को छुपा रहे, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ जो भी आप लोगों के सवाल थे उनका जवाब मिल गया। आज जब तक ये यहाँ पे है मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे हर्षी दीदी, अगर मैं चाहूँ तो पूरी जिंदगी इस घर में रह सकती क्योंकि मेरा हक बनता है। और किस हक की बात कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना ही करूंगी। इसके आप लोग कितना सब कुछ कहते हैं ना मुझसे। बात रही शर्म की, लिहाज की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो मेरे अंदर हमारा काम हो गया तो हम चलते हैं। आप लोगों ने मीठा भी नहीं खाया। हाँ ठीक है, हम भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों का खरीदा हुआ मीठा खाए जो इस शादी से खुश नहीं।